बताइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। काशी मीरा के सृष्टि परिसर में मौजूद भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में माछी परिवार और उनके परिजनों ने 4 साल के हर्षद माछी की मौत होने के बाद जमकर बवाल काटा है। परिजनों की माने तो पेट में दर्द होने की वजह से 5 दिनों पहले ही हर्षद को भगवती वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 4 दिन तक कोमा में रहने के बाद आज बच्चे की मौत हो गई इलाज के दौरान। मगर बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने जो वजह परिजनों को बताई बच्चे की मौत होने की, उसको सुनकर सभी चौंक गए। परिजनों की माने तो डॉक्टरों ने बताया है कि उनके बच्चे की मौत सांप काटने की वजह से हुई है, इसलिए इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। परिजनों ने बच्चे की मौत की वजह सुनी और उन्हें शंका हुआ कि बच्चे को तो पेट में दर्द होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उसकी मौत की वजह सांप काटना बताया जा रहा है। अस्पताल में हंगामा बढ़ता देख काशीमीरा पुलिस सहित कई पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों को बुलाकर वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिया गया और मामले को पुलिस से किसी तरह से शांत भी कराई और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मुंबई के अस्पताल में। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। 22 तारीख का सुबह 4 बजे का, 4 बजे इसके पेट में दर्द हुआ बच्चे के, हर्षद माची नाम का बच्चा है 4 साल का, उसके पेट में दर्द हुआ तो माँ बाप उसको लेके गए संजीवनी हॉस्पिटल। संजीवनी हॉस्पिटल में नहीं लिया गया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर जाइए, तो उन्होंने मीरा रोड में हॉस्पिटल में आ गए भक्ति वेदांत में। तो भक्ति वेदांत में आने के बाद 4:30 बजे डॉक्टर ने 2 सुई लगाई और दवाई दी पेट में दर्द हो रहा करके, तो इनको लेके गए वापिस, जाओ तुम घर पे। गए तो घर पे गए तो ऑटो में इनको सांस की दिक्कत होने लगी। जब सांस की दिक्कत होने लगी तो वो वापिस घर पे लेके गए। घर पे लेके जाने के बाद देखा तो वो कोमा में चले गए। कोमा में ले गया तो वापिस हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल वाले ने 5 दिन उसको एडमिट रखा और उसके बाद 2 दिन के बाद बोला, 2 दिन तक ऐसे ही रखा कि मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है करके। उसके बाद रिसर्च किया और आज 3-4 दिन के बाद बोलते हैं कि इनको सांप काटने से इसकी डेथ हो गई करके। किसके बच्चे को एडमिट किया था? पेट में दर्द हो रहा है करके। तो सांप काटने के बाद कहाँ से आ गया? अभी जो दो से लगाए उसके बाद जो कोमा में चला गया, कोमा में जाने के बाद डॉक्टरों का बोलना है कि ये सांप काटने से चीज हुई करके, कोमा में गए करके। लेकिन 2-3 दिन तक कुछ नहीं बोले, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर बोलने लगे सांप का लग रहा है, जहर लग रहा है। ये सब झूठी कहानी बनाई हुई है और लोगों का भी ये करना कि झूठी कहानी है। अभी सत्य परिवार वाले दुखी है, परिवार लोग तो गुहार कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, जो सत्य घटना है वो बताए हमको। पहला सिलेंडर मछली क्या हुआ? मछली अभी मामा के शादी था, उस मामा शादी में सब इंडिया भी ले किया, उसने सिर्फ रात को उसको ये हो गया तबियत पेट में दर्द देना चालू हुआ। मैं उसको दवा डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर के पास लेके जाने की बाद संजीव लेके गया, संजीव से डॉक्टर दिया भक्ति विधान का दिया, भक्ति विधान के लेके आया जो इंजेक्शन लगाया, जो इंजेक्शन लगाने के बाद मैं वापस घर लेके गया। भेज दिया इन लोग ने, बोला एडमिट का तो चार्ज नहीं, घर लेके जाओ, कल लेके आ रहे थे कुछ हुआ तो घर एडमिट करेगा, ऐसे तो नहीं बोले। फिर हम लोग घर पर 1/2 घंटे बाद वापस लेके आया यहाँ पे। उन लोग 5 दिन हो गए कोमा में ही था, आज सुबह में बोल दिया था 7 बजे नहीं चांस ही नहीं काटने का, न्याय जाता वो अभी।